महेश भट्ट और सोनी राजदान की शादी को 37 साल पूरे हो चुके हैं। 21 अप्रैल को शादी की सालगिरह के मौके पर सोनी राजदान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए महेश भट्ट को एनिवर्सरी विश की थी। 1986 में सोनी राजदान और महेश भट्ट ने शादी की। उस समय महेश भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट है। सोशल मीडिया पर एनिवर्सरी के मौके पर सोनी ने पोस्ट करते हुए लिखा, ये हमारी कहानी है। एक दिन अचानक मुझे एक दोस्त का कॉल आया। वो चाहते थे कि मैं महेश भट्ट से एक बार मिल लूँ। अच्छा छोड़ो, अब बहुत लंबी कहानी है। फिर कभी मैंने, पॉइंट ये है कि मैं मिली, हमें प्यार हुआ और अब हम साथ हैं। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। देखते देखते हम यहाँ तक आ गए। महेश भट्ट और सोनी राजदान ने 1986 में शादी की। इनके दो बच्चे हैं, आलिया और शाहीन भट्ट। पहली बार महेश भट्ट सोनी से 1984 में सारांश फिल्म के सेट पर मिले। इस फिल्म में सोनी राजदान और अनुपम खेर लीड रोल में थे। सिमी गरेवाल को दिए इंटरव्यू में महेश ने बताया था कि सोनी ने उनकी ज़िंदगी के सबसे कठिन समय में उनकी मदद की थी। उन्होंने बताया कि उन्हें शराब पीने की बहुत बुरी लत लग चुकी थी। उन्होंने कहा, मेरा हाल इतना बुरा हो चुका था कि मैं जिस भी चीज़ के करीब जाता था वो ख़राब हो जाती थी। उस वक्त सोनी ने मुझे संभाला था। इसी के साथ मैंने